कानपुर में सीसामऊ विधानसभा के लिए उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, जिसमें आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इन सभी के चलते आज जुम्मे की नमाज के समय कानपुर के अति संवेदनशील इलाकों में कानपुर पुलिस और पीएससी के जवानों ने पैदल मार्च कर साफ संदेश दिया कि शहर में किसी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अमन पसंद लोगों को सुरक्षा का भी एहसास कराया गया। मार्च में कानपुर पुलिस के लगभग 100 जवान, एक कंपनी पीएससी के जवान के साथ स्पेशल क्यूआरटी के जवानों ने रूट मार्च किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनाते हैं। नमाज का टाइम है, धूल का दिन है, और क्या क्या त्योहार के लिए क्या तैयारी चली है और क्या क्या सुरक्षा? ये देखिए, आप लोग अवगत होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सीसामऊ विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें लगा हुआ है, उसी को देखते हुए, और आज चूंकि फ्राइडे भी है और जनरल अलर्टनेस हमारी रहती है, इसमें हमारे जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग फ्लैग मार्च, रूट मार्च करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, बूथ्स हैं, उनको भी हम लोग विजिट करते हैं। उसी क्रम में डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में ये आज जो है वो फ्लैग मार्च ये लोग करने जा रहे हैं। अभी जो है वो पूरे क्षेत्र का राउंड लेंगे और पर्याप्त मात्रा में इसमें पुलिस बल हम लोगों ने लगाया, पीएसी है और लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस की यूनिट है। कुल मिलाकर के ये इंश्योर करना है कि जो आज का फ्राइडे की नमाज है ये सफल संपन्न हो, और इसके अलावा जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव को लेकर के जो है वो लोग अपना जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उसको ले सके। सर, सुरक्षा का मैसेज देते हुए जो आज आप फ्लैग मार्च या जो भी आप कर रहे हैं रूट मार्च करेंगे, इसमें क्या क्या इंतजाम किए गए, किस किस कौन कौन सी फोर्सेज आपके साथ हो रही है? पीएसी है, लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस की यूनिट है, इसके अलावा जो है वो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं उनका वर्किंग, और जो हमारे रूट के एरिया हैं जो पोलिंग सेंटर्स से आते हैं उन सब का विजिट किया जाएगा। थैंक यू।